दोस्तों आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होने वाला है, यानी कि अब से डेढ़ महीने बाद यूएई में आईपीएल 2020 स्टार्ट हो जाएगा। और आईपीएल 2020 के स्टार्ट होने से ठीक पहले तीन टीमों ने अपने जर्सी में बड़ा बदलाव किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी तीन टीम है जिन्होंने अपने जर्सी में बड़ा बदलाव किया है, और साथ ही साथ इन तीनों टीमों की नई जर्सी अब किस प्रकार की दिखने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी आईपीएल के फैन और आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको आईपीएल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच यूएई में होने वाला, और इस बात की कंफर्मेशन बीसीसीआई ने कर दी है, और अब से दो या तीन दिन के अंदर आईपीएल 2020 का पूरा शेड्यूल आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं सभी टीमों के बारे में जिनके जर्सी में बड़ा बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो हमारे पहले नंबर की टीम है उसका नाम है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, जहां पर पहले किंग्स इलेवन पंजाब का जर्सी कुछ इस प्रकार को देखने को मिलता था, लेकिन अब किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने टाइटल स्पॉन्सर में बड़ा बदलाव किया है, और अब केएक्सआईपी की टीम ईबीएक्सकेएस के नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ मैदान पर आपको खेलते हुए नजर आने वाली। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में हम अपने दूसरे नंबर की टीम के बारे में। तो यह टीम है विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जहां पर आरसीबी की टीम ने अपने लोगो और जर्सी में बड़ा बदलाव किया है। जहां पर पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जर्सी कुछ इस प्रकार को देखने को मिलता था, लेकिन अब आरसीबी की टीम मुथूट फिनक्रॉप के जर्सी के साथ मैदान पर उतरने वाली, और इस टीम ने अपने टाइटल स्पॉन्सर में बड़ा बदलाव किया है, जहां पर अब इस टीम के जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर मुथूट फिनक्रॉप रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में हम अपने तीसरे नंबर की टीम के बारे में। तो ये टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम नोकिया की जर्सी के साथ मैदान पर उतरती थी, लेकिन अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बायजूस की जर्सी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये तीन बड़ी आईपीएल टीमें थी जिनके जर्सी में इस साल आपको बड़ा बदलाव होते हुए नजर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको किस टीम का जर्सी सबसे बेस्ट लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें, और अगर आपको यह अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।